हेलो नमस्कार, जय हिंद। मेरे देश के भावी फौजियों, मैं आज आप सभी को बता रहा हूं कि भारतीय प्रादेशिक सेना एवं भारतीय सेना के बहुत बड़ा अपडेट निकल कर के आया है। जी हां साथियों, क्योंकि आपको खुशी होगी, भारतीय सेना, भारतीय प्रादेशिक सेना यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आई है। जो एनरोलमेंट के इंतजार कर रहे थे युवा, उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आ गई है। महादेव डिफेंस अड्डा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सटीक और सही जानकारियां भारतीय सेना, भारतीय प्रादेशिक सेना एवं इंडियन एयरफोर्स नेवी से संबंधित डिफेंस रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। जी हाँ साथियों, आज मैं बताने वाला हूं कि भारतीय सेना का सी एग्ज़ाम जो बहुत दिनों से रुका हुआ है, कल सुबह की वीडियो में मैं आपको बताया था, आप जा करके देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ एक सप्ताह डेढ़ से दो सप्ताह के अंदर आने वाली है। जी हाँ साथियों, आज एक बहुत बड़ा अपडेट सोर्सेज के माध्यम से वो भी आई है। कल भी सोर्सेज के माध्यम से आई थी, आज बहुत बड़ा एक सोर्सेज के माध्यम से आई है बहुत बड़ा न्यूज़ जो कि आपको हैरान कर देगी। वह न्यूज़ ऐसा है साथियों कि आपका सी एग्ज़ाम जो रुका हुआ था बहुत दिनों से, हमारे भावी फौजियों की जो सी एग्ज़ाम नहीं हुई थी उसकी सी एग्ज़ाम की डेट, हमारी भावी फौजियों का अब सब्र का बांध जो टूट रही थी वह सब्र का बांध टूटने का कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। जी हाँ साथियों, आपकी सी एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द कराई जाएगी, यानी कि जून की महीने में आपका सी एग्ज़ाम हो जाएगी। इसकी अपडेट आपको ऑफिशियल जानकारियां हो सकता है इसकी अंतिम महीने तक आपको इसका जानकारियां मिल जाएगा, यानी कि आपका मई का अंतिम सप्ताह में आपको ऑफिशियल जानकारियां देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं साथियों, क्योंकि कई सोर्सेज के माध्यम से मुझे जानकारियां मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वह अपना सिग्नल दे दिया है, यानी सी एग्ज़ाम कराने को भर्ती जो रोकी हुई थी दो सालों से उसका वह सिग्नल दे चुकी है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बहुत बड़ा डिफेंस का जो अहम रोल निभाती है, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना एवं भारतीय प्रादेशिक सेना हो या कोई भी सेना हो, डिफेंस रिलेटेड डिफेंस मिनिस्ट्री उनकी जिम्मेवार होती है, उनकी मालिक होती है। वह आज आखिरकार सोर्सेज के माध्यम से पता चल रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वह सिग्नल दे चुकी है, यानी अपना जो है हम लोगों की हक जो है वो बहुत जल्द मिलने वाली है, यानी भारतीय सेना का या भारतीय प्रादेशिक सेना का बहुत जल्द खुलने वाली है साथियों। और सी एग्ज़ाम मैं आपको बताते चलता हूँ कि भारतीय सेना का सी एग्ज़ाम जो रुका हुआ है, भारतीय सेना का सी एग्ज़ाम आपका मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय सेना का सी एग्ज़ाम जून का महीने में आपका जीडी और क्लर्क का हो सकता है साथियों, हो जाएगी, और जुलाई के महीने में टेक्निकल नर्सिंग और ट्रेडमैन की होगी। अभी तक जो सोर्सेज के माध्यम से खबर हुई, डिफेंस एक्सपर्ट हम लोग जानकार से जो निकल कर सामने आ रही है, मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। तो मैं आपको बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि जी हाँ साथियों, बहुत बड़ा एक खबर निकल करके आएगी जो एक सप्ताह दो सप्ताह के अंदर आएगी साथियों। अब आप देखते जाना, हमारी चैनल के माध्यम से आपको सबसे प्रथम जानकारियाँ दिया जाता है और दिया भी जाएगा साथियों। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड जानकारियाँ आप तक, सटीक और सही जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और एयरफोर्स का जो बच्चे हैं, एयरफोर्स का हमारे साथी हैं, युवा हैं, जो इनरोलमेंट नहीं हुआ है अभी तक, उनकी अपडेट कुछ भी नहीं हो रही थी, उनको मैं बताना चाहता हूँ, उनका भी सिग्नल मिल चुका है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। आपका हो सकता है इस महीने के अंत में मेरिट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब बात रही भारतीय प्रादेशिक सेना की, भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर मैं आपको कल की वीडियो में बताया था कि भारतीय प्रादेशिक सेना की भी भर्ती बहुत जल्द खुलने वाली है। सभी जोनों में तो नहीं खुलेगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जोन है जहां पे मौसम को देखते हुए आपकी भर्ती प्रक्रिया हो सकती है जून के अंतिम महीने या जुलाई के महीने में, कहीं कहीं होने की संभावनाएँ अभी तक जो सोर्सेज के माध्यम से अपडेट आ रही है वह यह है। और जोन टू को मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, जोन टू और जोन फोर के अंदर भर्ती आपकी सितंबर अक्टूबर में आएगी, उम्मीद ज़्यादा है सितंबर अक्टूबर को आप उम्मीद लेकर चले। लेकिन भर्ती मैं आपको क्लियरफाई करता हूँ इस वीडियो के माध्यम की, टेरिटोरियल आर्मी के साथियों जो तैयारी कर रहे हैं वह चैनल पर आप जुड़े रहें। आपको मैं दावे के साथ बताता हूँ कि भारतीय प्रादेशिक सेना की जब भी भर्ती आएगी तो इस चैनल से पहले जानकारियाँ, सटीक और सही जानकारियाँ नहीं दे सकता है। इंडिया के नंबर वन ऐसा चैनल है जो महादेव डिफेंस अड्डा चैनल है, आपको सटीक और सही जानकारियाँ आप तक पहुँचाती है।
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि चैनल को यदि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप तक वीडियो सबसे पहले और सटीक जानकारियां आप तक पहुंचेगी और आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। साथियों, तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने के लिए आया था कि बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आई है कि सी एग्ज़ाम आपकी जून और जुलाई के महीने में हो जाएगी। जी हाँ साथियों, और रिलेशन भर्ती की एक अपडेट है कि रिलेशन भर्तियाँ भी बहुत जल्द खुलने वाली हैं, जून जुलाई की महीने से रिलेशन भर्ती भी खुलेगी। मैं आपको आज सटीक और सही जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ साथियों, टेरिटोरियल आर्मी रिलेशन भर्ती, आर्मी डिफेंस रिलेटेड जितना भी भर्तियाँ हैं जो रुकी हुई थी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको क्या है सिग्नल दे चुकी है, यानी अब भर्तियाँ भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द कराने की आपके पास नोटिफिकेशन आने वाला है। साथियों, तो आप तैयारियां करें जोश जुनून जज्बे के साथ तैयारियां करें, क्योंकि आपका सी एग्ज़ाम डेढ़ सालों से दो सालों से नहीं हुए, भर्ती नहीं हुई है, तो आपको मौका, इस मौके को गंवाना नहीं है। आप इस मुट्ठी को बांध के तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से करें और भारतीय सेना का सी एग्ज़ाम को आप क्लियर करें, और क्लियर करके भारतीय सेना का हिस्सा बन के भारत माँ का रक्षा करने के लिए आप सक्षम हों।